नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट के मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो हम लोगों को इस दिए हुए नेटवर्क पे 108 एंगल 0 डिग्री वोल्टेज सोर्स से करेंट के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग करंट के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन कर पाएंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के डॉट कन्वेंशन रूल का और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेश एनालिसिस का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को इस दिए हुए नेटवर्क पर कितने मेश अवेलेबल हैं। 2 मेश अवेलेबल हैं। तो इस मेश पर हम लोगों को करंट लेना होगा, पहले मेश के लिए मेश करंट I1, और दूसरे मेश के लिए हम लोग करंट ले लेंगे दूसरे मेश का करंट I2। अब हम लोग पहले मेश और दूसरे मेश के लिए मेश एनालिसिस के इक्वेशन को लिखेंगे और इस 108 एंगल 0 डिग्री से फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, जो कि कितना है मेश करंट I1। अब हम लोग पहले मेश के लिए इक्वेशन को लिखेंगे, तो लिख लेते हैं मेश 1। अब पहले मेश पर देख पाएंगे कि हम लोगों को वोल्टेज सोर्स कितना दिया हुआ है, 108 एंगल 0 डिग्री। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 108 एंगल 0 डिग्री, फिर इक्वल का साइन, फिर हम लोग इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 5 और करंट हो जाएगा I1। और अब हम लोग इस J2 ओम रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे, तो लिख लेते हैं J2 और करंट लेना होगा मेश 1 का, जो कि कितना है I1। अब हम लोग इस J4 ओम रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि J4 ओम जो रिएक्टेंस है मेश 1 और मेश 2 दोनों के लिए कॉमन है। तो इस पर हम लोगों को पहले करंट डिसाइड करना होगा। तो अभी हम लोग पहले मेश के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो I1 करंट बड़ा होगा I2 के रिस्पेक्ट में, और I1 करंट का डायरेक्शन इस J4 ओम रिएक्टेंस पर कैसा जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, और I2 करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर। तो इस J4 ओम पर I1 और I2 दोनों करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो लिख पाएंगे +J4 और करंट लेंगे I1 - I2। अब हम लोग इस J4 ओम के म्यूचुअल रिएक्टेंस J3 ओम को वोल्टेज ड्रॉप के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो J4 ओम रिएक्टेंस का करंट I1 - I2 कैसे जा रहा है, डॉट पर डॉट की तरफ जा रहा है, और जो मेश 2 का करंट I2 है वो J3 ओम रिएक्टेंस के बने डॉट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस पर हम लोगों को म्यूचुअल रिएक्टेंस के वैल्यू को पॉजिटिव में लेना होगा, तो लिख लेंगे J3 और करंट लेंगे इस J3 ओम का, तो उस पर मेश 2 का करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो लिख लेते हैं I2। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले मेश के लिए मेश एनालिसिस के इक्वेशन को कंप्लीट किया। अब हम लोग सेकेंड मेश के लिए मेश एनालिसिस के इक्वेशन को लिखेंगे, तो लिख लेते हैं मेश 2। अब हम लोग देखेंगे कि मेश 2 पर हम लोगों को कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 0।
फिर लगाएंगे इक्वल का साइन। अब हम लोग इस J1 ओम रिएक्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे, तो लिख लेंगे J1 और करंट लेंगे सेकंड मेस का जो कि कितना है I2। अब हम लोग इस J1 ओम के म्यूचुअल रिएक्टेंस J2 ओम के ड्रॉप को लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि J1 ओम पर जो डॉट बना हुआ है उस पर करंट कैसे एंटर कर रहा है, डॉट की तरफ जा रहा है, और J3 ओम पर जो डॉट बना है उस पर भी I2 करंट डॉट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस पर हम लोगों को म्यूचुअल रिएक्टेंस के वैल्यू को पॉजिटिव में लेना होगा और करंट लेंगे J3 ओम का, तो उस पर मेश 2 का करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो लिख लेंगे I2। अब हम लोग इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ड्रॉप को लिखेंगे, तो इसका वैल्यू माइनस पे है, तो माइनस J4 और करंट ले लेंगे I2 को। अब हम लोग इस J3 ओम रिएक्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे, तो लिख लेंगे प्लस J3 और करंट लेंगे I2 को। अब हम लोग इस J3 ओम के पहले म्यूचुअल रिएक्टेंस जो कि कितना है J2 ओम के ड्रॉप को लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग देख पाएंगे कि J1 ओम पर जो डॉट बना है उस पर I2 करंट डॉट की तरफ जा रहा है, और J31 ओम पर जो डॉट बना है उस पर भी I2 करंट डॉट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस पर हम लोगों को म्यूचुअल रिएक्टेंस के वैल्यू को पॉजिटिव में लेना होगा और करंट ले लेंगे J1 ओम रिएक्टेंस का जो कि कितना है I2। अब हम लोग आगे J3 ओम के दूसरे म्यूचुअल रिएक्टेंस के ड्रॉप को लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को J4 ओम पर जो रिएक्टेंस है उस पे करंट के वैल्यू को डिसाइड करना होगा। तो अभी हम लोग मेश 2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो I2 करंट बड़ा होगा I1 के रिस्पेक्ट पे, तो J4 ओम पर जो I2 करंट है वो कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, और J4 ओम पर जो I1 करंट है वो कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो J4 ओम पर I2 और I1 दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब हम लोग इस J4 ओम पर करंट ले पाएंगे I2 माइनस I1। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो J3 ओम पर जो डॉट बना हुआ है उस पर I2 करंट डॉट की तरफ जा रहा है, और J4 ओम पर जो डॉट बना हुआ है उस पर I2 माइनस I1 करंट डॉट से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस पर म्यूचुअल रिएक्टेंस के वैल्यू को निगेटिव में लेंगे, तो लिख लेते हैं J3 और करंट लेंगे J4 ओम रिएक्टेंस का। तो अभी हम लोगों ने करंट कितना कैलकुलेट किया, I2 माइनस I1। अब हम लोग इस J4 ओम रिएक्टेंस के एक्रॉस ड्रॉप को लिखेंगे, तो लिख लेते हैं प्लस J4 और करंट कितना कैलकुलेट किया है इस ब्रांच के लिए, I2 माइनस I1। अब हम लोग इस J4 ओम के म्यूचुअल रिएक्टेंस जो कि J3 ओम है उसके ड्रॉप को लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि J4 ओम का करंट I2 माइनस I1 J4 ओम के बने डॉट से बाहर की तरफ जा रहा है, और J3 ओम पर जो डॉट बना हुआ है उस पर I2 करंट डॉट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस पर म्यूचुअल रिएक्टेंस को माइनस पे लेना होगा, तो लिखेंगे माइनस J3 और करंट लेंगे J3 ओम रिएक्टेंस का जो कि कितना है I2। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे मेस के लिए मेस इक्वेशन को कंप्लीट किया। अब हम लोग मेस 1 और मेस 2 के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे,
तो लिख लेंगे 100 एट एन एंगल 0 डिग्री, और I1 को कॉमन लेंगे तो पहले मेश के इक्वेशन से हम लोगों को मिलेगा 5, और J2 और J4 दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा J6। अब हम लोग I2 वाले टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पर से देख पाएंगे कि हम लोगों को कितना मिलेगा, -J4, और यहाँ पर से +J3। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -J1, और करंट कितना, I2। और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम लोग सेकेंड मेश के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दूसरे मेश के इक्वेशन पर हम लोगों को इक्वल के बाद में कितना दिया हुआ है, 0। अब हम लोग I1 वाले टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पर से हम लोगों को मिलेगा +J3I1, और यहाँ पर से हम लोगों को मिलेगा -J4I1। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -1J, और करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1। अब हम लोग I2 वाले टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पर से देख पाएंगे कि -J4I2 और ये +J4I2 कैंसल हो जाएगा, और +J3I2 और -J3I2 कैंसल होगा। बाकी टर्म को सॉल्व करेंगे तो J1I2, J2I2 और J2I2 और -J3I2 इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा +J2 और करंट कितना, I2। और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग मेश 1 के इक्वेशन और मेश 2 के इक्वेशन पर क्रेमर्स रूल को अप्लाई करेंगे। तो क्रेमर्स रूल को अप्लाई करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखना होगा। तो आइए देखते हैं उसको किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स पे वैल्यू को पुट करेंगे तो पहले मेश के इक्वेशन पर देख पाएंगे कि I1 के साथ हम लोगों को कौन सा टर्म मिला हुआ है, 5+J6, और I2 के साथ -J1, और दूसरे इक्वेशन पर I1 के साथ -J1 और I2 के साथ J2। अब हम लोग करंट को भी मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे I1 और I2। अब हम लोग इक्वल के इस तरफ देखेंगे, पहले इक्वेशन पर हम लोगों को वैल्यू मिला हुआ है 100 एट एन एंगल 0 डिग्री, और दूसरे इक्वेशन पर मिला हुआ है 0। अब हम लोग इस पे क्रेमर्स रूल के फॉर्मूले को अप्लाई करके I1 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग क्रेमर्स रूल से I1 के लिए फार्मूला लिख पाएंगे, I1 इज इक्वल टू del1/del। तो अब हम लोग del1 के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो del1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इस वैल्यू को पहले कॉलम पे रखना होगा, और डेल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पूरे इस मैट्रिक्स को एज इट इज लेना होगा। तो आइए देखते हैं कि I1 का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग इस मैट्रिक्स पर del1 के वैल्यू को लिखेंगे तो पहले कॉलम पर हम लोगों को ये वैल्यू को रखना है तो लिख लेंगे 100 एट एन एंगल 0 0 और -J1 और J2, और डेल के जगह पूरे इस मैट्रिक्स को लेना होगा तो 5+J6 -J1 -J1, और यहाँ पर हो जाएगा J2। अब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से इनके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को न्यूमरेटर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा 200,
एट एन एंगल माइनस 45 डिग्री और डिनोमिनेटर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलेगा 14.86 एट एन एंगल माइनस 42.27। जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को I1 का वैल्यू मिलेगा 13.458 और एंगल पे माइनस 2.73 डिग्री और यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए सोर्स से फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू को डिटरमाइन किया। तो अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।